आपके बीच में 5 तारीख को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आरडी डिंपल यादव जी के लिए हम सभी लोग वोट की अपील करने के लिए आए हैं। जैसा कि मां साहब ने बताया, इस चुनाव पे पूरे देश की निगाहें हैं। इस समय पूरे देश में केवल एक चुनाव हो रहा है, वो है आपका मैनपुरी लोकसभा का। लोग 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उनकी निगाहें हैं जिस मैनपुरी क्षेत्र को नेताजी ने अपने घर अपने परिवार की तरह माना और क्षेत्र को आगे लेके गए। वहां के लोग उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना वोट चुनाव जिता के दस्त। नेताजी का शुरुआती जीवन यहाँ से हुआ, इस विधानसभा से हुआ, राजनीति के सफर की शुरुआत हुई। तमाम सारे आपके गांव के जो लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले चुनाव से लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बहुत से किस्से कहानियां आप लोगों के साथ के होंगे, आपके आना जाना उस दौर में नेताजी का रहा। आपने बहुत खून पसीने से उनके राजनीतिक जीवन को सींचने का भी काम किया। आपके बीच में लोकसभा के उपचुनाव के लिए 5 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, उस संबंध में आपसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदमी डिंपल यादव जी के लिए हम सभी लोग आपसे वोट की अपील करने के लिए आए। नेताजी का रिश्ता, समाजवादी पार्टी का रिश्ता इस गांव से, नातेदारी रिश्तेदारी आपकी संबंध इतने पुराने हैं और आप लोगों ने हमेशा नेताजी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके चुनाव के दिनों से, पहले चुनाव से लेकर अब तक, उनके संघर्षों के आप साथी रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, कंधा भी किया, सहयोग भी किया। और नेताजी आज पहुंचे, उनको देखा, उनको सुना, आज हम लोग भी उन्हीं के लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए आए। नेताजी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत इसी विधानसभा से की और पंडित जी से लेकर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पहले चुनाव के उनके गवाह रहे, उनके पहले चुनाव उनके साथ रहे। तब से लेकर लगातार आपने नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और इस मुकाम तक पहुंचाया जो पूरे विश्व में, देश में आज नेताजी की कदर कोई नेता नहीं। 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। आप लोग भलीभांति परिचित हैं, डिंपल जी हमारी प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और मैनपुरी पर पूरे देश के प्रदेश की नज़र है। आप सभी लोग नेताजी के घर के लोग हैं, सैफई और यहाँ कोई दूरी नहीं। तमाम सारे लोग नेताजी के शुरुआती जीवन से उनके साथ जुड़े रहे होंगे। आपके आना जाना भी रहा हो, कई बार आपने विधायक उनको बनाया यहाँ से, कहीं कोई बाहर की बात नहीं, सब आपस के हर परिवार के लोग आज यहाँ मौजूद हैं और चुनाव में आप सब लोग निवेदन करने के लिए आए हैं। जहाँ पूरा देश आज मैनपुरी लोकसभा की ओर देख रहा है, लोग देखना चाहते हैं कि नेताजी की याद में उन्होंने जितना इस क्षेत्र के लिए काम किया, आपको हम सबको आगे बढ़ाया और आपके सहयोग समाजवादी पार्टी को कहाँ से कहाँ ले जाकर पहुँचा दिया। लोग देखना चाहते हैं कि उनकी याद में उनके श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ के लोग कितने वोटों से समाजवादी पार्टी को जिता के भेजते। आज सभी जातियों के बिरादरियों के लोग, क्योंकि हर कोई अपने आप को सीधे तौर पर नेताजी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया इस क्षेत्र में। अगर सड़कें बनी तो सभी में बनी, बिजली हुई तो सभी गाँव में हुई। कोई भी व्यक्ति पहुंच गया किसी काम के लिए, उन्होंने कभी नाम और जाति नहीं देखी थी और ये देखा कि किस गांव से आए हैं और इटावा क्षेत्र मैनपुरी क्षेत्र का है, तो तुरंत उस व्यक्ति की समस्या को दूर करने का काम आ रही नेताजी। आज उनके कदर को छुटाने का समय है, मौका है। यहाँ तक कि जहाँ ऐसे भी क्षेत्र जहाँ जिन गाँव में पार्टी को बहुत कम वोट मिलता था, आज वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि उनकी पहचान अगर किसी से थी तो सम्मानित नेताजी से। वो लोग भी अपना वोट कह रहे हैं, हम इस बार वोट खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये वोट न सरकार बनाने जा रहा है न बिगाड़ने जा रहा है। इकलौता चुनाव पूरे देश में केवल हो रहा है, नेताजी के नाम पर आज वो सभी लोग, चाहे वो किसी भी दल में रहे हो पहले, आज वो लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। सभी यहाँ मौजूद अगलग एरिया आसपास के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बार कोई वोट खराब ना होने पाए, कोई वोट कटने ना पाए, सभी लोग मिलजुल कर अच्छे से
इस पोलिंग पर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से आप जिता देना इसी निवेदन के साथ आप चुनाव के बाद जो भी कोई समस्या छोटी बड़ी जैसी भी आपकी होगी हम लोग पुनः आपके बीच में बैठ लेंगे, आप आ जाइएगा, हमें बता लीजिएगा। कहीं कोई बात होगी तो हमेशा पहले भी और आगे भी समाजवादी पार्टी उसके नेता और कार्यकर्ता ही हमेशा मदद करने आए, भाजपा के लोग कभी भी मदद करने नहीं आते, बाद आप भी जाते हमेशा आपके बीच में लोग रहते हैं, आगे भी आपके बीच में रहेंगे, कहीं कोई बात होगी तो आपकी मदद भी करेंगे। क्योंकि वोट एक भी ना कट पाए इसलिए इसी निवेदन के साथ आपके बीच में आए हैं और 5 तारीख को पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर डालकर नेताजी को श्रद्धा हिंदी देने का आप लोग काम करें। जय हिंद। नेताजी के हम लोग आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं और हमपुर का संबंध रद्दे नेताजी के साथ बहुत पुराना रहा। जब से नेताजी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने नेताजी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया। तमाम संघर्षों के साथ ही यहाँ के लोग रहे, चंदा भी दिया, सहयोग भी किया, धरना भी किया, उनके साथ में जेल भी गए, लाठी भी खाई। इतने तमाम संघर्षों के बाद आज समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने इतना ऊंचा पहुंचाया, इसमें यहाँ के क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था।